क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पड़ाव बाजार में आए दिन शराब पीकर नशेड़ियों के पड़े रहने तथा दुकानों के सामने लगने वाले ठेलों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था से नाराज कवंडसपुरा के दुकानदारों ने मंगलवार को बाजार बंद करके अपने रोष का इजहार किया। थाना प्रभारी रविन्द्र हाड़ा की समझाइश से दुकानदारों ने पुलिस को व्यवस्था ठीक करने का समय देकर दुकानें खोल दी। व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने बताया कि संजय मटई द्वारा संचालित देशी शराब का ठेका निर्धारित समय से पहले खोल लिया जाता है और अवैध रूप से शराब बेचकर बाजार का माहौल खराब करता है, जिससे सुबह सुबह नशेड़ियों से व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत क्लॉक टावर थाना प्रभारी रमेंद्र हाड़ा को देकर कार्रवाई की मांग की है। कमंडसपुरा में शराब के ठेके को लेकर के आए दिन झंझट होता रहता है, न खोलने का टाइम है न बंद करने का टाइम है, और क्षेत्रीय पुलिस की इसमें पूरी मिली भगत है। ऐसे में पहले भी कई बार मामला उथल चुका है। दरअसल क्या है कि सुबह जब व्यापारी दुकान खोलने आते हैं तो शराबी या तो दुकान के सामने लेटे मिलते हैं या वहीं पेशाब कर देते हैं, वहीं उल्टियां कर देते हैं। ऐसे में आम व्यापारी परेशान है, परेशान होकर के आज व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। सीआई जो नए आए हैं वो या आके गए हैं, अभी हम जा रहे हैं सीआई से बात करने। सीआई को स्पष्ट कर देते हैं, उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है, स्पष्ट कर देते हैं कि या तो 3 दिन में ठोस कार्रवाई हो और नहीं तो फिर अजमेर बंद कराएं। थाना प्रभारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल से होने वाली परेशानी से वे जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र चौधरी को अवगत कराएंगे और शीघ्र ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा। साथ ही शराब ठेका संचालक संजय मटई को भी पाबंद कर कार्रवाई की जाएगी। सुबह कमंडसपुरा के व्यापारी जो एकत्रित हुए और उन्होंने जो यातायात में जो बाधा पहुंचाने वाले ठेले हैं उनके खिलाफ और वहां पे एक देशी शराब का जो बीयर बार चलता है उसके बाहर जो शराबी लोग लेट जाते हैं शराब पीने के पश्चात, उनको हटवाने की बात को लेके विरोध प्रदर्शन किया था, जिनको ये एश्योरेंस दिया गया कि बहुत जल्दी यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी और जो लोग वहाँ असामाजिक तत्व उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत बीती रात एक आदतन बदमाश चाकू की नोक पर एक व्यापारी से मारपीट कर हजारों की नकदी लूट कर फरार हो गया। मंगलवार को सिंधी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्लॉक टावर थाना प्रभारी को अपराधी के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दुकानदार सुखाड़िया नगर निवासी सुभाष ने बताया कि सोमवार रात को जब मैं दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था तभी आदतन अपराधी गिरीश ने रास्ते में रोककर सोने की चेन उतारने को कहा। विरोध करने पर गिरीश ने चाकू से हमला कर जेब में रखे 10,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना से घबराए व्यापारियों ने मंगलवार को थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। रात को मैं दुकान से घर आ रहा था तो रास्ते में गिरीश ने मुझे रोक के लूटा छन्ना करी और चेन खींचने की कोशिश करी और मेरे जेब में जो 10,000 पड़े थे वो ले लिए। जब चैन खींचने की कोशिश करी तो मैं उनको बचा बचाव में उसने चाकू की नोक पे मुझे वार कर दिया। फिर मैं मेरे दोस्त आ गए, उसने बचा लिया और वो फायर हो गया। कार्रवाई ये मांग रहे हैं जो गलत है उसके लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्रवाई करी जाए। मतलब जो इसके ऊपर ऐसे नाजायज परेशान किया गया है, इससे पहले भी बहुत दफे हुआ है। हमारे सदस्य से जो भी हम उम्मीद रखते हैं कि भाई अच्छी कार्रवाई हो और उनको सजा मिली जाए। वही चाकूबाजी कर लूट की घटना को गंभीर मानते हुए थाना प्रभारी रविन्द्र हाड़ा ने आरोपी नवाब का बेड़ा निवासी गिरीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। थाना क्लॉक टावर क्षेत्र के नवाब के बेड़ा में जो पीड़ित है सुभाष, उसके साथ में रात को एक हनी नाम के एचएस ने मारपीट की और उसके साथ में धक्का मुक्की की। उसकी रिपोर्ट लेकर सुबह आया है, सिर पे चोट है जिसका हमने मेडिकल मुआयना करवाया है और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी। Thank you.